हमें आशंका है क्योंकि सिर्फ स्पीकर और मुख्यमंत्री ऐसी ये मीटिंग नहीं थी, और वैसे भी अगर मीटिंग करनी हो तो कभी, मैं भी मुख्यमंत्री था, कभी स्पीकर उठकर मुख्यमंत्री के यहाँ नहीं जाते, वो मुख्यमंत्री जी को बुला लेता है। लेकिन अब ये दोनों जो है सिर्फ मुख्यमंत्री और स्पीकर नहीं है, स्पीकर जो है वो ट्राइब्यूनल है और मुख्यमंत्री का आरोपी है, तो क्या एक जज जिनके ऊपर आरोप है उनको मिल सकता है क्या? तो यही एक आशंका आती है कि क्या इन दोनों की मिलीभगत तो नहीं है, और सिर्फ मिलीभगत कोई व्यक्तिगत रूप में ये केस नहीं है, देश में प्रजातंत्र रहने वाला है या नहीं है, या दोनों मिलकर प्रजातंत्र की हत्या करने की साजिश कुछ कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, ऐसे अर्थ भी निकाला जा सकता है। और इसलिए जैसे मैंने कहा कि आज और कल ही हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने एक एफिडेविट दिया है, और जिसमें दोनों बार दो बार मिले हैं, वो उसमें हमने लिखा है कि आप भी उसमें देखो, और मैं आपके माध्यम से जो जनता की अदालत है, क्योंकि जनता सर्वश्रेष्ठ होती है और उसी लिए हम लड़ रहे हैं, जनता का अधिकार अगर कोई छीनता है तो हम तो वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, और जनता की अदालत में हम आपके माध्यम से जाना चाहते हैं कि ये देखो क्या हो रहा है, और इसका नतीजा जैसे एक पिछले 2 साल से एक केस चलती आई है, कोई आवश्यकता नहीं थी, ये तो सीधी सीधी केस है, और कुछ जो घटना तज्ञ है वो बार बार अपनी राय इस बारे में रख रहे हैं, और आज भी जो एक हमारे महाराष्ट्र के ज्येष्ठ साहित्य तज्ञ उल्लास बापट, उनकी एक रिएक्शन मैंने देखी लोकशाही चैनल पर, शायद आपके चैनल पर भी वो आई होगी, तो मैं पूरी जनता को एक रिक्वेस्ट करता हूँ आप वो देखिए उनका उनकी राय क्या है, और इतना समय इसमें बर्बाद हो गया है, ये तो इलीगल गवर्नमेंट है जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, तो इलीगल गवर्नमेंट के हाथों में 2 साल तक महाराष्ट्र का भवितव्य रखना ये बहुत ही खतरनाक बात है, और कल क्या होगा या कल क्या हो सकता है, तो ये दो बार जो मिले हैं ये मिलीभगत भी हो सकती है, प्रजातंत्र की हत्या करने की साजिश शायद हो गई हो। एकनाथ शिंदे की तरफ से कहा गया है कि बहुमत उनके पास है, फैसला नहीं, वो ठीक है, वो तो अदालत में हुआ है, अदालत ने अपना जो भी एक ऑब्जर्वेशन है वो पूरा उसमें लिख कर ट्राइब्यूनल के पास भेज दिया है, और जैसे अनिल जी ने अभी बताया, चाहे तो वो हिंदी में दोहरा सकते हैं, तो उस फ्रेमवर्क में ट्राइब्यूनल ने काम करना चाहिए था, लेकिन जिस ढंग से उन्होंने एक समय की बर्बादी, और शायद कल और एक ऐसा कुछ कर सकते कि और समय निकले तब तक ये चुनाव हो जाएगा, हमें कोई आपत्ति नहीं, हम तो जनता के सामने हैं, जनता के बीच में हैं, और जनता तो जो न्याय देगी वो तो देख रही है, लेकिन क्या हम खुलेआम हमारे नजर के सामने प्रजातंत्र की हत्या होने जा रही है उसको स्वीकार कर सकते हैं क्या? उद्धव जी, आमदार अपात्रता प्रकरणी निकालायला अवघे 24 तास उरले असताना तुमच्या पक्षाचे आमदार रवींद्र वायकर यांच्या घरी नाही, त्याच्यावरती एक मिनिट, त्याच्यावरती मी राजेंद्र विचारे यांच्या घरी जाणार आहे, तुम्ही संबंध पाहता का? मी याच्यावरती जास्त बोलणार नाही, पण एकच आहे की राम मंदिराचं निर्माण होत आहे, शेवटी जुलमी अत्याचार करणाऱ्यांचा अंत हा केलाच पाहिजे ही शिकवण देणाऱ्या रामाचं मंदिर उभं राहते, त्याच्यामुळे या जुलमी अत्याचारी राजवटीचा शेवट जनता करेलच, त्याच्याबद्दल मी नंतर बोलेन, आणि म्हणून तर आपण त्याला प्रभू श्रीराम किंवा भगवान कृष्ण मानतो, तर त्याच्यावरती मी नंतर बोलेन, आता त्याच्यात मी जात नाही, पण या जुलुमशहांचा निपात जनता करेल। शक्यता आहे आपले आमदार अपात्र होतील, जे न्याय असेल न्यायाने जे व्हायचं असेल ते होऊ द्या, आमची काही हरकत नाही। तिसरी शक्यता अशी आहे की अध्यक्ष हा सर्व निकाल सर्वोच्च न्यायालयाकडे पाठवू शकतात, कारण जर आपले आमदार अपात्र गेले तर आपल्याला बघा अशी देखील एक चर्चा आहे। नाही, मी सहानुभूतीवरती राजकारण करणार नाहीये, मी न्यायावरती राजकारण करणार आहे, न्यायावरती आहे, कारण ही लढाई माझी लढाई नाहीये, जनतेची लढाई आहे, जनतेच्या भवितव्याची आहे, आणि लोकशाहीचा खून हे दोघं मिळून करतायत का हे उद्या आपल्याला कळेल, हे उद्या आपल्याला कळेल, आणि कदाचित हीच शक्यता आहे की आणखीन वेळ काढू पाहणार, कारण त्यांना खेचायचं त्यांनी खेचलं, उद्या 4 वाजता ते निकालाचं वाचन करायला सुरुवात करतील, आणि मला असं वाटतं की रात्री 11:59 आणि 59 सेकंदाच्या वेळेला ते कदाचित ते वाचतील, जसं त्यांना वर्ण आलं असेल नसेल मला माहिती नाही, तसं ते वाचतील आणि पुन्हा एकदा सुप्रीम कोर्टात जाऊन आणखीन वेळ काढावा अशीच त्यांची अपेक्षा आहे, कारण कायद्याच्या आधारे ते लढूच शकत नाहीत, घटनेचा आधार घेतला तर ते लढू शकत नाही, पण घटना मोडीत काढण्यासाठी म्हणून
आणखीन काही ते करतायत का हे उद्या पाहावं लागेल. आणि म्हणून मी वारंवार सांगतोय की सर्वोच्च न्यायालयात आम्ही काल एक अफिडेव्हिटद्वारा हे नमूद केलेलं आहे. आज आपल्या माध्यमातून मी जनतेच्या न्यायालयात सुद्धा हे नमूद करू इच्छितोय. प्लॅन बी वगैरे नाही, पहिलं प्लॅन बी सी डी चा अर्थ जाऊ द्या, पण पहिला लोकशाहीचा खून होतोय का आणि तो आपल्या डोळ्या देखत दिवसाढवळ्या जर का होणार असेल तर मग रामाची जी शिकवण आहे तुम्ही आता म्हणालात की अत्याचाराचा आणि जुलमशाहीचा अंत आपल्याला करावा लागेल आणि त्याच्यासाठी निवडणुका येत आहेत.